मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रविवार को लगभग 24,000 श्रमिकों को लेकर 21 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको फल बिस्किट लंच पैकेट और पानी देने के बाद उनको उनके ज़िले की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 30 यात्रियों को ही बैठाकर रवाना किया गया। इस संबंध में सीओ गोरखनाथ परवीर सिंह ने बताया कि आज से 9 नंबर प्लेटफार्म पर भी श्रमिकों को उतारा जा रहा है। श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका पंजीकरण कराया जा रहा है। उसके बाद उनके ज़िलों की बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है। श्रमिकों को लंच पैकेट बिस्किट फल और पानी दिया जा रहा है। उसके बाद सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 से 30 श्रमिकों को ही बैठाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रमिक राजेश दुबे, संदीप सिंह, सरिता, सुशीला देवी, पूजा और सीओ परवीर सिंह ने कहा, सभी को बसे लेकर जाएंगे। यहाँ तीन आदमी आ सकते हैं एक बार में यहाँ तीन आदमी आ सकते हैं। तीन आदमी कहाँ एक बार में तीन आदमी आगे बढ़ा तीन तीन लोग रहेगा। नाम हमारा राजेश दुबे। क्या आ रही है? ट्रेन पूना से आ रही सर। कहाँ को जाएंगे आप? गोंडा जिला मणिकापुर। रास्ते में आने में कोई दिक्कत खाने पीने के लिए? रास्ते में दिक्कत सर किधर किधर तो मिला, किधर किधर कुछ नहीं मिला। थोड़ा दिक्कत भी हुआ और थोड़ा सही भी सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया, और क्या बोलूँ सरकार के। संदीप सिंह पुणे से आ रहा हूँ। कहाँ जाएंगे आप? हम गोंडा जाएंगे, घर पर पहुँचा दिए, बस यही इतना कहना चाहेंगे। अभी तो हम पुणे से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप? सर हमको तो दिल्ली जाना है। जी सर मैं कहना नहीं चाहेंगे, बस चाहते हैं कि अच्छी तरह से पहुंच जाएंगे। अनीता यादव, ट्रेन चली थी रात को। कहाँ आप जाएंगे? जाएंगे जबलपुर जिला। अच्छा लगा। सुशीला देवी पूना से। कहाँ आप जाएंगे? जबलपुर। अच्छा लगा। पूजा पूना से आए हैं। कहाँ आप जाएंगे? जाएंगे फतेहपुर, फतेहपुर के पास थरिया। रास्ते में कोई दिक्कत हुई? पानी पीने को दिक्कत हुई थी, खाना खाने की दिक्कत हुई थी। अभी
अभी आपको घर तक पहुँचाया जाएगा, सरकार के द्वारा कुछ कहना चाहेंगे? घर जाएंगे, घर पहुँचाया जाएगा, बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाँ, करवाएंगे, घर जाएंगे वो भेजेंगे तो हमको। कैसा लग रहा घर का? अच्छा लग रहा, घर में बाहर रहेंगे थोड़ा, 14 दिन जांच हो गई तो। 9 नंबर पे जिला प्रशासन की तरफ से शासन की मंशा के अनुरूप जो ट्रेनें श्रमिकों को लेकर, हमारे मजदूर भाइयों को लेकर और जो अन्य मतलब राज्यों में अरे फंसे हुए उत्तर प्रदेश के नागरिक थे उन्हें लेकर यहाँ लगातार गोरख मतलब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं। आज से प्लेटफॉर्म नंबर 9 को भी सुचारू रूप से चलाया गया है। आज कुल 21 ट्रेनें यहाँ पे आनी है जो प्रस्तावित थी। इस प्लेटफॉर्म पे आई हुई ये मतलब तीसरी ट्रेन है जो मतलब पुणे से आई है और अभी इसके पहले कुल मिला के 2200 के करीब लोग आ चुके हैं। इस ट्रेन का भी आप देख सकते हैं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा कि उनको उतारा जा रहा है। सभी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे शिक्षकगण लगे हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अन्य विभाग के समन्वय के साथ यहाँ मतलब बसें भी लगी हैं जहाँ से लोगों को अपने मतलब गंतव्य जिलों में भेजा जा रहा है।